और आई बार फिर से बात शुरू करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और दूसरे चरण की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में प्रवेश के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, ये एंटर करेगी उत्तर प्रदेश में। कुछ ही देर में दिल्ली के पुराने लोहे के पुल से इस यात्रा की शुरुआत होगी और आज लोनी में, गाजियाबाद के लोनी में ये यात्रा प्रवेश करेगी और अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। यात्रा को अब तक शुरू हो जाना था लेकिन सर्द मौसम और कोहरे ने फिलहाल इस यात्रा को अभी तक शुरू नहीं होने दिया है, लेकिन जो अपडेट हमारे पास है, तैयारियां पूरी हैं और किसी भी वक्त अब यात्रा शुरू हो सकती है। दिल्ली से शुरू होगी, पुराने लोहे के पुल से यमुना पार करती हुई यह यात्रा गाजियाबाद के लोनी में प्रवेश करेगी और यहीं से उत्तर प्रदेश चरण का प्रारंभ हो जाएगा। अगले 3 दिनों तक यह यात्रा उत्तर प्रदेश में चलेगी। अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। वीरेश पांडे हमारे संवाददाता मरगट वाले हनुमान मंदिर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले राहुल गांधी यहीं पहुंचेंगे। सनु शर्मा पुराने लोहे के पुल से हमारे साथ कनेक्ट हैं। दर्शन के बाद इसी जगह से यात्रा शुरू होगी और अविनाश तिवारी दिल्ली के शास्त्री पार्क से हमारे साथ हैं। यहां से होकर यह यात्रा गुजरेगी। फिर से आपको मरगट वाले हनुमान मंदिर लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास। वीरेश, अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई, जो शेड्यूल कार्यक्रम था उसके हिसाब से यात्रा को अब तक आगे बढ़ के कहीं और पहुंचना था, लेकिन देर अगर हो ही गई है तो क्या अपडेट है आपके पास, कब से शुरू होगी? देखिए, अपडेट ये है ताजा कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और मरघट वाले बाबा का दर्शन कर रहे हैं और ये जो काफिले की गाड़ी है वो आपको दिखाई पड़ रही है, जो सिक्योरिटी से जुड़ी, उनकी सुरक्षा से संबंधित गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये राहुल गांधी की सिक्योरिटी के लोग। वीरेश, हमें तस्वीरें भी मिल गई, ये देखिए हाथ में गदा है और ये देखिए राहुल गांधी मंदिर में दर्शन करते हुए मरघट वाले हनुमान मंदिर में अंदर, ये अंदर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। मरघट वाले हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने हनुमान जी के दर्शन किए। आज मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्मदिन होता है, उनके दर्शन का विशेष महत्व होता है और यहीं से दर्शन करके हनुमान जी के मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन करते हुए अब राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव अभी वीरेश पांडे हमें बता ही रहे थे, वो भी आपको अभी इस बारे में और विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी बाहर पहुंच रहे हैं, वीरेश पांडे उन्हें देखेंगे, आपको दिखाएंगे और उनके साथ जो लोग हैं उनके बारे में बताएंगे। और फिर से टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं, आज सर्दी थोड़ी और ज्यादा, तापमान थोड़ा और कम, उत्तर भारत में विशेषकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, आप बहुत साफ देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि किस किस्म की सर्दी है। लेकिन जो वेशभूषा अब तक राहुल गांधी की रही है इस पूरी यात्रा में 108 दिन चलने के बाद, वही वेशभूषा आज भी है दिल्ली की सर्दी में और अब दर्शन करने के बाद वो बाहर निकले हैं। देखिए, जो पुजारीगण हैं मंदिर के, उनके साथ भी आप उनको देख सकते हैं, उनके तमाम साथी, उनके सुरक्षाकर्मी सभी वहाँ पर मौजूद। और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि ये हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि यहां से दूसरे चरण का प्रारंभ हो रहा है और यहां से यह यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। दिल्ली से अब यह यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, वो गेटअप और ये देखिए दर्शन के दौरान की तस्वीरें, दर्शन करके बाहर निकले। पुजारी गण, जो मरघट वाले हनुमान मंदिर के पुजारी गण है, वो भी उनके साथ और साथ में उनके सहयोगी, उनके सुरक्षाकर्मी। यहां से दर्शन के पश्चात और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के पश्चात अब वो आगे बढ़ेंगे और गाजियाबाद के लोनी में पहुंचेंगे। वो सबसे पहला पॉइंट होगा उत्तर प्रदेश में उनका, यहां से उत्तर प्रदेश से उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी, अगले 3 दिन यहां पर चलेगी। वही सफेद हाफ टी शर्ट और वही गेटअप उनका, वही लुक्स जो आपने पिछले दिनों में देखे हैं। वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं, वो आपको और विस्तार से बताएंगे कि वो बाहर क्या देख रहे हैं और बाहर क्या हालचाल है। वीरेश, को बाहर कर रहे हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता, वरिष्ठ नेता हैं, वो यहां पर पहुंच गए हैं सीआरपीएफ के और उनकी काफी ट्रेनिंग की गई। उनके साथ रहेंगे, राहुल के साथ रहेंगे, राहुल गांधी दर्शन पूजन करने के बाद इसी रात से निकलेंगे और फिर अपनी मंजिल की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे और इस बीच
जो एक उत्सुक भरी नजर है वो सब यहाँ देख लेना चाहते हैं राहुल गांधी की शर्ट वाले राहुल गांधी जिन्हें ठंड नहीं लगती है। एक समर्थक यहाँ मिल गया मुझे और वो टी शर्ट पहना हुआ था। मैंने कहा कि किस क्लास में हो, बोला मैं 11 में पढ़ता हूँ और मैं एनएसयूआई ज्वाइन करूंगा और हमारे नेता को जब नहीं लगता है तो मैं ठंड से डरता नहीं हूँ। एक नई थ्योरी राहुल गांधी ने दिया है कि ठंड उसी को लगता है जो ठंड से डरता है और हम लोग तो शायद ठंड से डरते हैं कि कहीं इस उम्र में ठंड न लग जाए तो कहीं कुछ ना कोई दिक्कत ना हो जाए। राजेंद्र जी राहुल गांधी ने जो याद किया है एक न्यूटन का सिद्धांत था, एक राहुल गांधी का सिद्धांत है, ठंड उसी को लगती है जो ठंड से डरता है। राहुल गांधी लगती जी जी रहते एक बार फिर कैमरे दिखाऊंगा अपने छायाकार महोदय से कहूंगा कि जरा कैमरे से लोगों को दिखाए या कार्यकर्ताओं को दिखाए सुरक्षा कर्मियों को दिखाए देश पांडे को नहीं नजर राहुल गांधी पर रखे उनकी टी शर्ट पर रखे उनकी कारवा पर रखे उनकी यात्रा पर रखे उनकी मंजिल पर रखे उनके लोगों पर रखे उनके उत्साह पर रखे उनके दौर पर रखे भारत तोड़ने पर रखे। तो ये देखिए हम साफ चलेंगे ये गाने भी बने हैं बज रहे हैं अनिल कुमार जो यहाँ के अनिल चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अलका लांबा भी दिखाई दे रही है ये सारे लोग उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी का कारवा आगे बढ़ते हुए और देखिए राहुल गांधी हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और जी जी राहुल गांधी दर्शन करके निकल गए हैं और राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी दर्शन करके निकल गए हैं और राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है मरघट वाले बाबा के यहाँ से और यही वजह है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीरेश पांडे इन तस्वीरों के बारे में ही आपको बता रहे हैं। हाथ में झंडे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और गाड़ियों का एक हुजूम राहुल गांधी के पीछे और बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता दूसरे चरण की शुरुआत में उनके साथ मौजूद हैं और ये दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। यहां से अब ये यात्रा शुरू होकर उत्तर प्रदेश होते हुए कश्मीर तक जाएगी, श्रीनगर तक जाएगी। तो ये दूसरा चरण है। 24 दिसंबर तक पहला चरण पूरा हुआ, उसके बाद आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगी और ये देखिए आप लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दिल्ली से मरघट वाले हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी बाहर निकले हैं। गाड़ियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, उनके काफिले में जो शामिल हैं वो पीछे चल रही हैं। राहुल गांधी पद यात्रा करते हुए यहां से आगे बढ़ रहे हैं और वीरेश पांडे आपको और ज्यादा विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसको आप बहुत उसको देख के बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस समर्थक कितने जोश में है अपने नेता को इस तरीके से इस सर्दी में पैदल चलता हुआ देखकर, जो कि वो पिछले कई दिनों से चल रहे हैं लेकिन इस सर्दी में इस अवस्था में लगातार वो उसी वेशभूषा में पैदल चल रहे हैं जिस वेशभूषा में उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। गैल्वनाइज्ड, उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता वीरेश पांडे उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद हैं और वहीं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं और उनके बीच में इस यात्रा की तस्वीरें दिखाना एक चुनौती भरा काम, लेकिन एबीपी गंगा और हमारे तमाम जो संवाददाता जमीन पर मौजूद हैं वो ये चुनौती भरा काम कर रहे हैं। आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ब्रिज जो कि आसपास के इलाकों से दिल्ली को कनेक्ट करता है और ट्रैफिक को स्मूथ रखता है, इस ब्रिज के नीचे से ये यात्रा होकर लोहे के पुल तक जाएगी और फिर वहां लोहे के पुल से यात्रा यमुना को क्रॉस करेगी, यमुना को पार करेगी लोहे के ब्रिज से होते हुए और फिर गाजियाबाद में प्रवेश करेगी, लोनी में प्रवेश करेगी और लोनी वो पहला पॉइंट होगा। ये देखिए दूसरी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है, एक यात्रा की लाइव तस्वीर है, दूसरा कुछ क्षणों पहले की मंदिर के भीतर की तस्वीर है जहां पर राहुल गांधी दर्शन करने पहुंचे और हनुमान जी का दर्शन करके उन्होंने, देखिए हनुमान जी की जो पहचान है उनके गदा से भी होती है और गदा सिंबॉलिकली उन्होंने अपने हाथ में ली, आशीर्वाद लिया वहां पर जो पुजारी गण थे, जो पुरोहित थे उन सब का और उसके बाद मंदिर से बाहर निकले, यात्रा शुरू कर दी पैदल चलते हुए। वीरेश पांडे हमें अब बताएंगे कि वो क्या देख रहे हैं, यात्रा
कितनी दूर आगे बढ़ पाई है मरघट वाले हनुमान मंदिर से, इसको देख और जान लेते हैं वीरेश पांडे से। वीरेश, जो कुछ आप देख रहे हैं बयान करें। देखिए, देखिए मरघट वाले बाबा के यहाँ से जो यात्रा है वो निकल चुकी है, और जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी आप देखिए कि उनके साथ होकर चल रहे हैं। और राहुल गांधी पैदल उतर चुके हैं, राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है, और उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, सुप्रिया श्रीनेत, ये सारे लोग मौजूद हैं। जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो भी मौजूद हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा जो अमृता धवन हैं, वो भी मौजूद हैं, और ये यात्रा शुरू हो चुकी है। पार्टी के सबसे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा में मौजूद हैं। राहुल की यात्रा निरंतर चल रही है, और राहुल की इस यात्रा एक साथ खड़े होकर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि राहुल गांधी के इस यात्रा में वो सहभागी हो सकें, और राहुल की इस यात्रा में वो जुड़ सकें। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए मरघट वाले बाबा का पूजन दर्शन करने के बाद उनका जो कारवा है आगे बढ़ रहा है, और राहुल गांधी के साथ हम एबीपी गंगा की टीम जो है वो भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि वाकई जो राहुल गांधी ने संघर्ष किया है, राहुल गांधी ने जो कोशिश की है, राहुल गांधी ने जो प्रयास किया, वो दिखाई पड़ रहा है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि राहुल की इस यात्रा में काफी भीड़ है, काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, और ऐसे में ये जो यात्रा है वो निरंतर आगे बढ़ते हुए, और हमारी कोशिश है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को हम नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल की इस यात्रा में ऐसे कांग्रेस के नेता, बुजुर्ग कांग्रेस के नेता भी साथ में आए हैं, जो जिनकी अवस्था यानी यूपीए सरकार में भी वो काफ़ी उम्र के एक वरिष्ठतम नेता माने जाते थे। तो ऐसे में ये जो कारवां आपको दिखाई पड़ रहा है वो आगे बढ़ता हुआ, और तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए जो पार्टी के नेता हैं, ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि आप एक बार हमारे कैमरामैन को आने दीजिए, आ जाओ आप, आओ, ये देखिए, जी जी आओ, तेज आओ जी जी। वीरेश, ढोल नगाड़े के साथ राजेंद्र ये यात्रा शुरू हो चुकी है, और राहुल गांधी की इस यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में जो पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस की फोर्स बहुत ज़्यादा है, और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा रखी गई है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा निरंतर चल रही है राहुल गांधी की, उसमें अंबिका सोनी जैसी वरिष्ठतम नेता भी उनसे कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, ये सारे लोग एक साथ, देखिए राहुल गांधी जी को जय सियाराम के भी नारे लग रहे हैं। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का हम कह सकते हैं असर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी है राहुल जी की जय सियाराम, राहुल जी को जय सियाराम, जय सियाराम। ये एक संदेश भी है यात्रा में, एक नया नारा, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जय सियाराम, सियाराम के उद्बोधन को लेकर भी अपनी बात रखी थी। जय सियाराम का नारा लगाते हैं, तो ये राहुल जी को जय सियाराम का नारा लग रहा है। जी जी, बिल्कुल, निरंतर आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी की, राजेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह पोस्टर बैनर, राहुल गांधी के वो पोस्टर बैनर दिखाई पड़ रहे हैं जो यूथ हम कह सकते हैं, अभी भी नौजवान ही हैं राहुल गांधी, पार्टी के नेता तो मानते ही हैं, और वो लगभग लहराते हुए काले बाल वो पोस्टर वो जगह जगह दिखाई पड़ रहा है। दाढ़ी वाले पोस्टर भी दिखाई पड़ रहे हैं राहुल गांधी के, कि जो इस वक्त राहुल गांधी का
रूप रंग है और पार्टी के नेता कार्यकर्ता की उस बात से आप काफी प्रभावित हुए थे जिसमें उसने कहा कि अब एक क्रेज बन गया है कि राहुल गांधी जैसा हम अपनी दाढ़ी रखें, हम अपना अपना गेटअप रखें। तो वो क्रेज है और जो टनल है एक तरीके से वहां से सबवे से निकलते हुए इस यात्रा में बहुत सारे लोग, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, हर कोई राहुल गांधी को देखना, जानना और अपने चेहरे को दिखाना चाहता है। राहुल गांधी को जय सियाराम के नारों के साथ गुंजायमान है ये इलाका और कुछ लोग धक्का देते हुए भी, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी उत्साहित हैं, उत्साहित इस लिहाज से हैं कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसर है, दिल्ली से देश की बिल्कुल सबवे से ये यात्रा गुजरती हुई और वीरेश लगातार साथ चल रहे हैं। और देखिए आप, भारत जोड़ो यात्रा का जो एक जो सिग्नेचर बनाया गया है इस फ्लैग पर, इस झंडे पर, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो तिरंगे हैं कांग्रेस वर्कर्स के हाथों में, वो भी आप देख सकते हैं। और सुरक्षा जो कर्मी है उनके लिए चुनौती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उसमें राहुल गांधी और जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं जो प्रोटेक्टी हैं, उनको भी सुरक्षित रखते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी बहुत बड़ी हो जाती है यहाँ पर। और इन्हीं लोगों के बीच एबीपी गंगा आपको ये तस्वीरें मौजूद रह के दिखा रहा है। वीरेश पांडे वॉक कर रहे हैं, वीरेश पांडे भी चल रहे हैं इस यात्रा के साथ। आगे भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो कि जब ये यात्रा उनके पास पहुंचेगी तो वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लोहे का जो पुराना पुल है वहां पर सनु शर्मा मौजूद हैं और बस कुछ ही मिनटों में वहां पर ये यात्रा पहुंच जाएगी। और ये देखिए आप और करीब से तस्वीरें, भारत जोड़ो यात्रा को दिखाता हुआ एक झंडा और भारत का तिरंगा झंडा, ये तमाम फ्लैग्स, ये तमाम झंडे वहां पर कांग्रेस वर्कर्स के हाथों में, कांग्रेस समर्थकों के हाथों में। और ये लाइव तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की, धीरे धीरे यात्रा अब उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ बढ़ती हुई, पहले सबवे से होकर निकली और अब बाहर आती हुई। और जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत स्पष्ट है, दूसरा चरण शुरू हो गया है। मौसम सर्द है लेकिन इस यात्रा में गर्मी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है इस यात्रा को आगे बढ़ाने का, उत्तर प्रदेश में पहुंचने का। और इसीलिए एबीपी गंगा की नजर है इस महत्वपूर्ण यात्रा पर और इसके आज के पड़ावों पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।